लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। बता दें कि बॉलीवुड की चांदनी श्रीदेवी की अचानक हुई मौत से उनकी दोनों बेटियां बुरी तरह से टूट गई हैं। वह इस सदमे को सह नहीं पा रही हैं। बता दें कि श्रीदेवी की दोनों बेटियों में बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर अपनी माँ के काफी करीब थी। श्रीदेवी हर जगह जाह्नवी को साथ लेकर जाती थी। यहां तक कि जाह्नवी की पहली फिल्म धड़क के लिए श्रीदेवी ने जाह्नवी को ग्रूम भी किया था। अपनी फिल्म धड़क की शूटिंग कर रही जाह्नवी को जब यह पता चला कि उनकी मां श्रीदेवी की दुबई में मौत हो गई है, तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। ऐसे में असिस्टेंट्स और कोएक्टर्स ने जाह्नवी को सहारा दिया और उन्हें संभालने की कोशिश की। बाद में अनिल कपूर उन्हें अपने घर लेकर आए थे। बता दें कि जाह्नवी अपने माता पिता और बहन के साथ भाई मोहित की शादी में दुबई नहीं गई थी। वहीं टीवी और फिल्म एक्ट्रेस शालिनी कपूर जाह्नवी के अकेलेपन को लेकर बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। जानकारी के मुताबिक जाह्नवी की अपकमिंग फिल्म धड़क में शालिनी कपूर ही जाह्नवी की माँ का रोल प्ले कर रही है। जाह्नवी का रोल माँ शालिनी ने श्रीदेवी के इस अचानक निधन पर जाह्नवी के बारे में बताते हुए कहा है कि वे जाह्नवी के अकेलेपन को लेकर काफी चिंतित हैं। भले ही वो जाह्नवी के साथ ऑन स्क्रीन माँ का रोल प्ले कर रही हो, लेकिन दरअसल दोनों के बीच जब एक ऐसी केमिस्ट्री तो बन ही चुकी है कि उन्होंने एक माँ के तौर पर जाह्नवी की चिंता करना शुरू कर दिया है। शालिनी कपूर ने आगे बताते हुए कहा कि जाह्नवी की माँ का रोल निभाने के दौरान उन्हें श्रीदेवी और जाह्नवी के प्यार भरे रिश्ते के बारे में भी काफी बातें पता चली। उन्होंने बताया कि जाह्नवी और श्रीदेवी के बीच के रिश्ते को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।